हेलो गाइस, आपका स्वागत है नैनो टिकी किचन में। आज की रेसिपी है तूर दाल पसवा चावल के साथ। बेसिकली इसे दाल चावल ही कहते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप अरहर दाल ली है गाइस, जो तीन लोगों के लिए इनफ है। ये 150 ग्राम दाल है, जिसमें मैंने एक गिलास पानी डालकर इसे 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए रख दूँगी। इससे जो दाल है मेरी, ये गल जाएगी अच्छे से, गैस भी कम खर्च होगी। इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, जो भी माड़ इसमें है वो इसे निकाल दूँगी और साफ़ पानी ऐड कर दूँगी। इसके बाद गाइस, मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी और उसके बाद इसका ढक्कन क्लोज करके, लिड बंद करके गैस पर रख दूँगी। गाइस, इसमें 2 विसल्स लगानी है, ये उसी में हो जाती है, इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती विसल्स की। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कप राइस लिया है गाइस, और उसको मैं एक गिलास पानी डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी और इससे जो राइस हैं वो फूल जाएंगे गाइस। ये देखिए, यहाँ पर मेरी दाल तैयार हो चुकी है, ये गल चुकी है गाइस। यहाँ देखिए, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं गली है, इसके दाने आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे, इसके दाने खड़े हैं, जो कि गाइस इसमें मुंह में जब हम टेस्ट इसका अलग ही होता है जब खाते हैं। और ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ चावलों को अच्छे से धोकर इसमें 4 लौंग ऐड करी है। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके रख दूँगी गैस पर इन्हें उबलने के लिए। ये देखिए गाइस, मेरे जो राइस हैं लगभग तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा खड़ापन है, इसके लिए मैं 1 गिलास पानी और ऐड करूँगी। टोटली मैंने यहाँ 3 गिलास पानी ऐड किया है अपने चावलों पसवा राइस के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून ऑयल का यूज़ किया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ जीरा और आधा चम्मच सरसों ऐड की है। गाइस, सरसों से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इसे सांभर के लिए इस दाल को यूज़ करते हैं, तो सांभर में बेसिकली आपने देखा ही होगा कि सरसों का ही तड़का लगता है, तो इस दाल में इसी सरसों का और जीरे का तड़का बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अच्छे से अनियन जब रोस्ट हो जाए, हल्की ब्राउन हो जाए, तो हमने 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च को कट कर लिया है और इसे भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इस तरह से गाइस, और इसको अच्छे से चलाएंगे। बेसिकली गाइस, ये दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, एक तरह से ये पावर हाउस है ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, गुड सोर्स है आयरन एंड एनर्जी का। इसमें आधा चम्मच देगी मिर्च ऐड करेंगे और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जो है सांभर मसाला ऐड किया है और आधा चम्मच साल्ट भी ऐड किया है। उसके बाद गाइस, इसको चलाएंगे और इसको कुछ टाइम के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का और इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अवेलेबल हैं। और जब ये गल जाएगी दाल, तो हमारा छोंक गल जाएगा गाइस, तो हम बाकी अपनी जो दाल है उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से गाइस। ये दे आप इसकी कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड है गाइस। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप इसको ऐसे ही खाइए, अगर पतली करनी है और तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से सारे छोंक को अच्छे से दाल में मिला लेंगे और ऊपर से हम कोरिएंडर डाल देंगे। हमारी जो दाल है लगभग पकी चुकी है, इसे 5 मिनट बस बॉईल करना है गाइस, उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अच्छे से इस तरह से चला के चारों तरफ से मिलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है गाइस, और चावलों के साथ खाने के लिए। और गाइस, ये बहुत ही हेल्दी है, इसकी लाइट फूड है, इजी से डाइजेस्ट हो जाती है, बच्चे भी इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप सर्व कर सकते हैं, घी के साथ खा सकते हैं, सैलेड के साथ दाल को, दाल चावल विद सैलेड।